हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। आज से शुरू हुई जेईई मेन की परीक्षा, अलग अलग समय पर एंट्री, एक घंटा पहले करनी होगी रिपोर्टिंग। 1 से 6 सितंबर तक दो शिफ्टों में जेईई मेन की परीक्षा आयोजित की जा रही है, सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक व दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हो रही है परीक्षा। स्टूडेंट्स को एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने की हिदायत दी गई थी। परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले ही प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए। पूरे देश से 8,58,000 विद्यार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं एनटीए के अनुसार बिहार में 43 सेंटरों पर यह परीक्षा हो रही है। दरभंगा में 5 सेंटरों पर लिखे जा रहे हैं पेपर, इनमें पटना के 20, मुजफ्फरपुर के 6, दरभंगा के 5, भागलपुर और गया के 4-4, पूर्णिया और आरा के 2-2 सेंटर शामिल हैं। इन सेंटरों पर 61,583 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्हें एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो और परिचय पत्र ओरिजिनल ले जाना अनिवार्य किया गया है। आज पहले दिन बी आर्क व बी प्लान में एडमिशन लेने वाले छात्रों की परीक्षा हो रही है। दोनों शिफ्टों को मिलाकर पटना में 1,607, बेगूसराय में 224, दरभंगा में 211, गया में 202, पूर्णिया में 141, आरा में 46, मुजफ्फरपुर में 326 परीक्षार्थी पहले दिन 8 शामिल हो रहे हैं। इसके बाद 2 से 6 सितंबर तक बीटेक और बीई में नामांकन लेने वाले स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में शामिल होंगे। इनमें बेगूसराय में प्रत्येक दिन 788, दरभंगा में 778, गया में 808, मुजफ्फरपुर में 1,536, पूर्णिया में 534, आरा में 315 व पटना में हर दिन 3,518 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। गाइडलाइन का भी पालन करने का निर्देश है परीक्षार्थियों को। परीक्षा समाप्त होने के बाद 10 सितंबर को रिजल्ट जारी होगा। जेईई मेन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गाइडलाइन जारी की है। कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर कई परीक्षार्थियों को कई बातें ध्यान में रखनी है। जेईई मेन में प्रति सेंटर परीक्षार्थियों की संख्या घटकर 120 हो गई है। एनटीए के अध्यक्ष विनीत जोशी ने कहा है कि भीड़ न जुटे इसके लिए परीक्षार्थियों को अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। जैसे अगर एक सेंटर पर 150 अभ्यर्थी हैं तो उन्हें अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप के रिपोर्टिंग टाइम में 30 से 40 मिनट का अंतर है। रिपोर्टिंग टाइम अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में दिया गया है। एक कमरे में 12 से ज्यादा अभ्यर्थी किसी भी सूरत में नहीं बैठेंगे।